गुमला एसपी एहतेशाम बकारीब ने कहा कि जिले में अपराध नियंत्रण के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ आपसी समन्वय बनाकर जिले को स्वच्छ और सुंदर व अपराध मुक्त बनाया जा सकता है। गुमला एसपी चैनपुर थाना परिसर में स्थानीय जनप्रतिनिधि व चैनपुर के गणमान्य लोगों के साथ सीधे रूबरू हो स्थानीय समस्याओं को भी जाना। वे चैनपुर थाना परिसर में मिनी गार्डन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान गुमला एसपी एहतेशाम बकारीब ने कहा कि आपके सहयोग से ही क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाया जा सकता है। चैनपुर थाना के तर्ज पर जिले के सभी थाना परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, साथ ही जिले के सभी थाना परिसर में एक मिनी लाइब्रेरी बनाने की योजना है, जिसे जल्द मूर्त रूप दिया जाएगा और ये सब कार्य आप सभी के सहयोग से ही किया जा सकता है। आप पुलिस को बेहिचक सहयोग करें, आपके साथ पुलिस 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रहेगी। चैनपुर थाना परिसर में बने मिनी गार्डन का उद्घाटन स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से गुमला एसपी ने किया। वो बनाया जा रहा है, पानी की सुविधा दी जा रही है ताकि जो भी पीड़िता आए पहले अपनी बात बताए, उनको पानी ग्लास ऑफर किया जाएगा। आसपास गार्डन है जहाँ बैठ सकते हैं, तो इस तरह पूरे अभियान पूरे जिला में चल रहा है। हर थाना में सौंदर्यीकरण कराया गया रहा। सौंदर्यीकरण इस डायरेक्शन में है कि पब्लिक को कम्फर्टेबल आराम लगे, पब्लिक इधर उधर भागना न पड़े, उनसे सहज महसूस करे और अपना दुख दर्द पुलिस से बयां कर सके। नहीं, जो जो मुख्य हमारा इम्पोर्टेंट जंक्शंस में थाना है, वहाँ पे हमने थाना प्रभारी निर्देश दिया है, जो उनके थाना परिसर में जो ऐसा कोई रूम है जो अबैंडेंड है, उसको हम लोग ठीक करा के वहाँ पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी बनाएंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।